you. Oh, Let's start. Suraj, Naveen, come na. Chadda, you can come, right? Okay. I'm here. I'm right next to you. Thank you, yeah. Oh my God, now you have the confidence to leave. Okay, please ask. Yeah, ask. सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे ना. Okay, काफी reunion दिखाई दे रही है. आपको पता है हम कौन हैं ना? बिल्कुल. आर यू मैन? जी से ले स्टार्ट होता है. नाइल चेल. से हम लोगों का 2014 वन सेकंड नो चार से हमारा वनवास खत्म हुआ है. हम मंदिर पाके करने मिले. हमारा 14 साल का वनवास खत्म हुआ है. दिस इज लाइक द फर्स्ट फॉर्मल खोज. और हम सब ने बहुत बहुत ज्यादा हम शायद सब लोग आगे आ गए हैं. और आज हमने सोचा कि लेट्स हैव अ रीयूनियन और सब आगे वापस पीछे जाते हैं. हम बहुत आगे आ गए. हम सोच रहे पीछे जाते हैं. यस, वी आर गोइंग बैक. एंड आई गेस इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू मीट अगेन. और हम सब लोग साथ में. और मुझे बहुत मजा आ रहा है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलके. और सब लोग मेरे घर पे है. सबसे अच्छी बात यह है. सो इट्स अ बेस्ट थिंग. एंड बस यही है. या वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर टू कम. हमारे बहुत लोग आ रहे हैं. अमृता इज कमिंग, श्रद्धा इज कमिंग, युविका इज कमिंग एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आर कमिंग. सो वी आर एक्साइटेड एंड थैंक यू गाइज फॉर कमिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. हमारे किस्से बहुत रहे. सर्वर और मैं आई गेस वी हैव बीन अ हॉटेस्ट कपल. मैं जा चुकी हूं. हां प्लीज इसको हटा देते. अब बीवी को थोड़ा हटा देते. लेकिन हां मैं और सर्वर हमारा एक बहुत ही हमेशा से. अगर आप लोग इफ यू गो बैक टू द मेमोरीज एंड हम मैंने और सर्वर ने बहुत अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंसेज दिए. सो आई गेस बहुत अच्छी चीज लग रही है. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब साथ में हैं. एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल स्टार्टेड टुगेदर एंड ये हमारी फर्स्ट फैमिली है. तो हम अपनी पहली फैमिली से इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड. और बहुत लोग हैं जो नहीं है यहाँ पर. पर वी स्टिल मिस देम. पर हम उनको फेस टाइम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं और हमें कितना मिस आ रहा है. आपको मिस कर रहे हैं. तो आई होप कि जिन लोगों को हमने सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है. सो आई रियली होप दैट दे एवरीबॉडी कम. हे गाइस प्लीज से समथिंग अबाउट मी प्लीज. या सो वी विश हर ऑल द बेस्ट. And she's told us she's gonna call us for the premiere. One, two, three. All the best! Thank you, guys.
मैम सेंटर सेंटर ऐसे है ना एक बार और लास्ट एक लास्ट में आप बना रहे चलो बूम बूम टैलेंट है ये तीन ने एक ही हाथ में पकड़ना वेरी गुड यार बहुत एक्साइटेड हूँ एक तो क्या होता है कि रीयूनियंस और वो भी आई मीन 2004 से हम लोग दोस्त हैं सब लोग तो ऐसे तो मिलना होता नहीं है तो जब यू नो अंकिता जैसी दोस्त आपको फोर्स कर रही होती है इसका मतलब आपको आना है इट्स मैंडेटरी पीरियड दैट्स इट तो आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ शूट एक्चुअली एंड मैं वैसे भी लेट हूँ उसने चार बारी मुझे फ़ोन किया है तू आ रही है ना तू डिश तो नहीं दे रही है तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ रही हूँ एंड सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अप एंड यू नो मीटिंग ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स अब तो काफ़ी लोग यहाँ वहाँ निकल गए हैं एंड यू नो एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन जर्नी तो एंड बेसिकली अंकिताज़ फिल्म इज़ कमिंग मणिका निका एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हर इन दैट फिल्म तो मैं उसको 10 बारी मैंने कहा तेरा प्रोमो कब आ रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है सो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ प्री सेलिब्रेशन ऑफ हर फिल्म एंड बस आई एम जस्ट हियर टू यू नो हैव सम फन टाइम्स या दैट्स इट अरे बहुत किस्से यू डोंट इवन वॉन्ट टू नो बिकॉज हम लोग जब 2004 में मुंबई आए थे सब लोग हम लोग तो बहुत ही अलग अलग शहरों से आए थे मैं और अंकिता वी बींग महाराष्ट्रंस वी काइंड ऑफ कनेक्टेड एंड बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इतने सालों में बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हेन यू सी समबडी एज हैप्पी एज हाउ अंकिता इज़ राइट नाउ यू जस्ट वॉन्ट टू विश हर द बेस्ट दैट्स अबाउट इट माई गॉड मेरा और उसका पहला इंटरेक्शन आई डोंट रियली रिमेंबर बट वो और मैं हम लोग आई थिंक वी आर शेयरिंग अ रूम यू नो बिकॉज इट वॉज अ यू नो टैलेंट रियलिटी शो एंड स्टफ एंड इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड तब जी इंडियाज बेस्ट करके था तो मुझे आज भी याद है जब आई थिंक वो एलिमिनेट हुई थी आई वॉज मैं सब भूल भाल के आई थिंक हम लोग मैं स्टेज पर रोने लग गई थी एंड यू नो दोज फीलिंग्स या फिर वो जो किस्से होते हैं वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहते हैं यू नो दोज वर लाइक द गोल्डन डेज जैसे स्कूल या कॉलेज के आपके दोस्त या किस्से आप कैसे भूलते नहीं हो तो आई थिंक ऐसे काफ़ी सारे किस्से आई मीन यू नो हम लोगों को बैठ के मतलब सुबह हो जाएगी यार मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एक तो प्राइमरीली बिकॉज अंकिता उस फिल्म में है और वो बहुत ही सुंदर किरदार कोई निभा रही है जलकरी भाई का एंड यू नो मुझे हिस्ट्री बड़ी पसंद है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म एंड अंकिता का एक बहुत ही अलग रूप उसके फैंस को हमें देखने मिलने वाला है एंड शी इज़ अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो आज तक आपने पवित्र रिश्ता में या फिर कई सारे इवेंट्स में उसको देखा होगा बट आई थिंक यू नो अंकिता एक ऐसा फेस है एक ऐसी परसोना है जो फिल्म के लिए बनी है मुझे हमेशा से यही लगा है एंड टुडे शी इज़ वेयर शी हैज़ टू बी यू नो इन फिल्म्स या थैंक यू सो मच थैंक यू